इधर फरीदाबाद इलेक्शन कमीशन द्वारा हरियाणा की दो लोकसभा सीटों करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की ईवीएम की चेकिंग की अनुमति देने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव का बयान सामने आया। विक्रम यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइन दी है, जिसके तहत यदि किसी पार्टी या उसके कैंडिडेट जो कि दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे हैं, अगर वो ईवीएम की चेकिंग या वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद के एक प्रत्याशी ने एप्लीकेशन दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन भेजा गया। तो जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव का बयान सामने आया है। करनाल फरीदाबाद में ईवीएम चेकिंग को अनुमति मिल गई, दूसरे तीसरे नंबर पर आया कैंडिडेट करा सकते हैं ईवीएम की चेकिंग के लिए, एप्लीकेशन देनी होगी। तो विक्रम यादव की ओर से कहा गया ईवीएम की चेकिंग दूसरे तीसरे नंबर पर आए कैंडिडेट्स करा सकते हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया।